फ्यूचर लो आया हुआ है ना टी ट्वेंटी वाला। माता जी की फोटो से बनी है being an astrologer, spiritual counselor, you know, actor भी director भी, इतनी सब चीज़ को manage करना और जो interest जो passion है वो जो अभी आप मैं उसके बारे में बताया कि कब शुरुआत किया आपने और कैसे शुरुआत की और किस तरह से उस चीज़ को आप आगे ले जा रहे हैं। एक्चुअली मेरा फर्म बिलीव है कि एवरी ह्यूमन ऑलमाइटी और मदर नेचर की यूनिक क्रिएशन है एंड अनंत संभावनाओं का भंडार है। मैं कुछ फॉर्चुनेट रहा कि मेरे फादर फ्रीडम फाइटर रहे तो राजनीतिक लोगों से जन्म से ही संबंध बना, उनके साथ उनके जीवन को देखने का मौका मिला और देशभक्ति समाज सेवा जन्म से ही मिली। इसी के कारण से 1999 में मेंबर पार्लियामेंट अजमेर से मैंने इलेक्शन लड़ा। ज्योतिष मुझे जन्म से ही एक आशीर्वाद है ईश्वर का और पूरे देश में पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला। उसमें फिल्म स्टार्स भी रहे, स्ट्रगलर्स भी रहे, बड़े बिजनेसमैन भी रहे तो छोटे मोटे लोग भी रहे, कंट्री हेड्स रहे तो साधारण लोग भी रहे। उनकी लाइफ को समझने से मुझे महसूस हुआ कि जीवन से बड़ा आश्चर्यजनक घटना और कोई है नहीं, और अगर आप मनुष्य हैं और सेंसिबल मनुष्य हैं तो इस जीवन का इस तरह से उपयोग किया जाए कि वो आपके लिए ही नहीं समाज के लिए भी लाभदायक हो। मैं 84 में एक्टर बनने के लिए बॉम्बे आया क्योंकि मुझे बचपन से ही शौक था कि कुछ ऐसा किया जाए जो लोगों को मार्गदर्शन दे सके। एक फिल्म मैंने की जिसमें मेरे अपोजिट जरीना बहा बंजू महेंद्रू थी एंड मंगल ढिल्लो थे उसमें विलन। देन मुझे लगा कि जिन चीज़ों पे मैं काम करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे और ज़्यादा प्रतिभा की आवश्यकता है और मुझे निर्देशन सीखना चाहिए। लिखने का मुझे शौक रहा शुरू से ही और मैं बहुत सारे कॉलम लिखता रहा हूँ बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल मैगजीन्स में। देन मैं लिखना मेरा शौक था और निर्देशन मुझे सीखना था तो मैं उस पर मैंने काम किया और राज कोसला जी के आशीर्वाद से मुझे निर्देशन का एक तरह से एक बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला एंड 300 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई गवर्नमेंट के लिए, सब मिनिस्ट्रीज़ के लिए, स्टेट्स के लिए, कॉरपोरेट फिल्में बनाई, एक टीवी सीरियल बनाई दूरदर्शन के लिए जो बहुत पॉपुलर थी भारत के संत, जिसमें मुकेश खन्ना लीड रोल में थे। अब मैं दो फिल्में शुरू कर रहा हूँ, एक रियल लाइफ स्टोरी है और एक बायोपिक है और अक्टूबर मिड से शूटिंग शुरू कर रहे हैं और उत्तराखंड का एक इलाका है जिसको मैंने चुना है जहाँ पे हम शूट करेंगे। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन होता है, कोई भी एस्ट्रोलॉजी जब प्रिडिक्शन करता है तो वो कितना बड़ा रिस्क फैक्टर होता है क्योंकि इमेज जुड़ी होती है और एस्ट्रोलॉजी बहुत वाइड होता है, एक इंडिविजुअल की एस्ट्रोलॉजी हो सकती है, वेदर की या कोई भी इवेंट्स की। क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से आप रिसर्च करते हैं या किस तरह से वो इन डेप्थ नॉलेज आपने गेन किया है अपने करियर में? एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी को हम वेद का नेत्र कह सकते हैं, द सुप्रीम नॉलेज ऑफ इंडियन फिलॉसफी वेद है और वेद का नेत्र होने के नाते ये जीवन के बारे में सूझ और समझ डेवलप कर सकता है। ज्योतिष का पहला सूत्र है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मतलब मनुष्य शरीर इस ब्रह्मांड का छोटा रूप है क्योंकि ये सारा यूनिवर्स सिर्फ पांच ही तत्वों से बना है, इसमें छठा कुछ भी नहीं है। मनुष्य का शरीर भी पांच तत्वों से बना है तो इसलिए हम सब अपने आप में चलते फिरते यूनिवर्स हैं छोटे रूप में। जैसे इस यूनिवर्स के हर हिस्से में परमात्मा है उसी तरह से उसका अंश आत्मा हमारे जीवन में हमारे शरीर में है। हमारे ऋषि मुनियों ने सारे अंतरिक्ष को सारे ब्रह्मांड को अपने अंदर देखा और उन्होंने महसूस किया कि कुछ ग्रह विशेष कुछ नक्षत्र विशेष सबसे ज़्यादा असर करते हैं। उन्होंने उनका अध्ययन किया और उन अध्ययन से प्रकृति पर मनुष्य पर घटनाओं पर क्या असर होता है उसका हजारों साल तक उन्होंने रिसर्च किया और फिर ये ज्योतिष विद्या उन्होंने हमें दी। सो इसके माध्यम से हम अपना समाज का परिवार का दूसरों का सबका अच्छा कर सकते हैं। ज्योतिष का अर्थ ही प्रकाश है,
जो जीवन में प्रकाश ला सके, उससे बड़ी विद्या क्या हो सकती है? टॉप पॉलिटिशियन, टॉप सेलिब्रिटीज, राजीव गांधी हो, राजेश खन्ना हो, इससे आपका रिलेशन रहा है? क्या कहना चाहेंगे, ये जितने सेलिब्रिटीज कम्युनिटी के लोग हैं अलग अलग, वो कितना बिलीव करते हैं और आपने किस तरह से सपोर्ट किया, उन्होंने किस तरह से सपोर्ट किया इस चीज़ में? एक्चुअली मैंने देखा है कि जो लोग ज्योतिष को क्रिटिसाइज करते हैं सार्वजनिक रूप से, लेकिन व्यक्तिगत रूप पे वो नतमस्तक होते हैं और अपने जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं, क्योंकि साधारण मनुष्य इतना चिंतित नहीं होता जितना वो लोग चिंतित होते हैं, क्योंकि उनकी इमेज, उनका पैसा, उनका धन वो स्टेक पे होता है। और जिन जिन जीवन के कार्य व्यवसायों में जैसे ज्योतिष की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, उसमें फिल्म है, बिजनेस है, पॉलिटिक्स है, एंड इन लोगों के जीवन में अप्रत्याशित घटनाओं की भरमार होती है, इसलिए ये लोग बाग ज्योतिष पर ज़्यादा बिलीव करते हैं और कहीं ना कहीं इसे मार्गदर्शन लेते हैं। कुछ लोग तो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होते हैं अपने प्रेडिक्शंस में, लेकिन कुछ लोग उस तरह से परफेक्ट नहीं होते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि ये रिस्क फैक्टर कितना बड़ा इन्वॉल्व होता है इस चीज़ में? एक्चुअली मेरे साथ जो व्यक्तिगत अनुभव वो है कि मैं उस समय में लगभग 5 साल का था और मेरे पिताजी, क्योंकि नेहरू जी के बड़े क्लोज थे, नेहरू जी की रोज़ बातें होती थी, उनकी चिट्ठियाँ आती थी, उनको चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, तो नेहरू जी मेरे लिए एक अनसुलझी चीज़ें थी कि नेहरू जी है क्या चीज़। एंड एक दिन मुझे ख्याल आया कि 27 मई को नेहरू जी मर जाएंगे, और मैं उस समय में 5 साल का बच्चा होते हुए मैंने सबके सामने बोल दिया कि 27 तारीख को नेहरू जी मर जाएंगे, मार्च अप्रैल की बात है 64 की, एग्जैक्ट 27 तारीख को नेहरू जी मर गए। तो सबका एक अटेंशन पैदा हो गया कि ये बच्चा क्या बोल गया। उसके बाद 9 वर्ष की उम्र में मैंने ज्योतिष को पढ़ना शुरू किया। मेरे जो सिस्टर की मदर इन लॉ है वो बहुत अच्छी ज्योतिष की विद्वान थी, तो उनके रिश्ते के बाद में मुझे एक तरह से मार्गदर्शन और गुरु मिले, उनके संपर्क में मैंने ज्योतिष को सीखा 9 साल की आयु से। और एक चैरिटी प्रोग्राम के लिए, क्योंकि 71 वॉर विडोज़ को हमें सिलाई मशीनें देनी थी और उस टाइम में 6-7 हज़ार रुपये की ज़रूरत थी हमें, हम लोग थिएटर करते थे बचपन से, एक थिएटर किया हमने, उसमें थोड़े से पैसे इकट्ठे हुए, तो हमें लगा इससे तो हम अपना टारगेट पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि 10 विडोज़ थी जिनको हमें सिलाई मशीनें देनी थी। तो सब ने मुझे बोला कि यार आप ज्योतिष जानते हैं और आपके पिताजी का इतना नाम है, आप इसके जरिए पैसे बना लो। सो 76 जब मैं 16 साल का था, पहली बार ज्योतिष का मैंने व्यावसायिक तौर पे या एक प्रोफेशनल के तौर पे इस्तेमाल किया, और थोड़े से दिनों में, मतलब 20-25 दिन में करीब 7,000 रुपये हमने इकट्ठे किए, हमने फिर वो 10 जो वॉर विडोज थी उनको सिलाई मशीनें दी, कलेक्टर को बुला के प्रोग्राम कराया, और उसके बाद मुझे लगा कि दुनिया में इससे ज़्यादा आश्चर्यजनक कुछ भी नहीं है कि एक 16 साल की उम्र में आप इतना बड़ा अमाउंट इकट्ठा करके इतना बड़ा इवेंट कर सकते हैं। एंड फिर मैंने इसको बहुत गंभीरता से फिर इसका अध्ययन किया, और तब से लेकर अब तक जब भी मुझे मौका मिलता है मैं देश विदेश में इसका एक तरह से प्रयोग करता हूँ। और मेरी ट्रस्ट है विश्वव्यापी मानव कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके माध्यम से जो भी लोग जिनको शिक्षा की आवश्यकता हो और टैलेंटेड हो, उनकी हम थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। अभी हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन जो मेरा एस्ट्रोलॉजिकल इनकम होता है उसी से मैं वो कर पाता हूँ, तो वो एक हम इसके माध्यम से करते रहे हैं और बड़ी आत्मा को शांति मिलती है, बिकॉज ये ईश्वरीय देन है, और जो ईश्वर के लोग हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, उनका जो हो सकता है हम करते हैं। ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो फील्ड है, ये फील्ड किस तरह से, अगर कोई आदमी आना चाहता है, एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है या स्पिरिचुअल काउंसलर बनना चाहता है, तो क्या कहना चाहेंगे कि कितना सिक्योर्ड है, कितना ज़्यादा चैलेंजिंग है जैसे और फील्ड की बात करें तो? ज्योतिष से ज़्यादा आश्चर्यजनक, उपयोगी और ईश्वरीय आशीर्वाद और कुछ भी नहीं है। देखिए, आप एक व्यक्ति जो जीवन में हताश निराश है और आपकी एक अच्छी छवि है, उस व्यक्ति से मिलके अगर कोई आदमी एक पॉजिटिव थॉट में आ जाए,
इससे बड़ा क्या काम हो सकता है जो ईश्वर कर सकता है और धरती पे एस्ट्रोलॉजर कर सकता है। सो ये एक बहुत डिवाइन विद्या है और इसका सदुपयोग करने से आप निराशा में, असफलता के दौर में आप मदद कर सकते हैं। एंड इसको ग्रहण करने के लिए आपका एक विश्वव्यापी दृष्टिकोण होना चाहिए। जैसे हमारा वैदिक साहित्य कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। अब मैं स्वयं ब्रह्म हूँ एक अंतिम सीढ़ी है, उसकी प्रारंभिक सीढ़ी यह है कि तत्त्वमसि, तुम वो हो जिसकी तुम्हें तलाश है। तो ये जो दो पायदान हैं, इनको जब व्यक्ति ठीक से समझता है तो वो ज्योतिष के लिए उपयोगी व्यक्ति है। सिर्फ किस्मतें बनाने का धंधा या कोई चमत्कारिक बातें करने का यह ज्योतिष नहीं है। लास्टली कहना चाहूंगा कि यू नो वाणी भी रिलेटेड आपसे रिलेशन में क्या कहना चाहेंगे, वाणी के भविष्य के बारे में कभी आपने? वाणी मेरा चहिता बच्चा है एंड मुझे मालूम था बचपन से कि वो बहुत ही बुद्धिमान है, टैलेंटेड है, भगवान ने उसको बहुत ही अच्छे से बनाया है, उसके अंदर मल्टीपल टैलेंट है। आई थिंक बेहतरीन अंतरात्मा उसके पास है, बेहतरीन बुद्धि उसके पास है और शारीरिक तौर पे स्वस्थ है, सुंदर है। अभिनय लोगों को सीखना पड़ता है, वो चलता फिरता अभिनय है, तो इसलिए उसके बारे में मैं हमेशा से आश्वस्त रहा हूँ कि वो एक दिन अपना, परिवार का, समाज का, देश का नाम रोशन करेगी और जीवन में बहुत आगे जाएगी।